जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप्स। दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि मेरे पास इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस पे वीडियो बनाओ, ऐसी होती है ऐसी मिशन पे जो रिजल्ट आउट होने वाला है या उसका कैसे रहेगा उस पे वीडियो बनाओ, टाइपिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक जैसे ASI स्टेनो की के बारे में भी काफ़ी मेरे को कमेंट्स आए कि सर उस पर वीडियो बनाओ, या जो फोर्स की जो फैसिलिटी होती है, सैलरी कितनी मिलती है, उन सभी पे मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसपे बच्चे चाहते हैं कि मैं उस पर एक्सप्लेन करूं, अपने व्यू रखूं। लेकिन मेरे भी कुछ सर्टेन पीरियड होता है, फैमिली को भी देना होता है, इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो जितना भी टाइम मिलता है मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता हूँ। तो चलो कुछ नहीं, जितना होगा मैं आपके लिए करूँगा। तो आज हम क्या देखेंगे, आज के टॉपिक में है जो ASI स्टेनो, SSB ASI स्टेनो का जो रिजल्ट आया है जिसमें 88 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, जो नोटिस आया है उसमें क्या है, सारा कुछ डिस्क्राइब करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पैरामिलिट्री फोर्स या अदर जो भी फोर्स आती है, नई नई वैकेंसी आती है, मैं इस पर अपडेट करता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल नोटिफिकेशन आया है कि 88 कैंडिडेट पास हुए हैं, उसके बारे में तो वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ उसको, अगर आपको पहले देख चुके हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जो मैंने वीडियो बनाई है वो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। हुई है आपको दिखा देते हैं, उसमें टोटल टोटल ये 88 कैंडिडेट हैं, यहाँ पे टोटल 88 कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी किसी को इसकी मेरिट के बारे में नहीं पता है कि इसकी मेरिट कितनी गई है। तो जैसे ही मेरे को पता चलता है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बता दूंगा, या कमेंट्स बॉक्स में आपको समझा दूंगा। तो इसमें नोट में क्या लिखा है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट विल बी स्किल टेस्ट। जो आपका नेक्स्ट स्टेज होगा वो होगा आपका स्किल टेस्ट, और इसमें डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट 80 वर्ड पर मिनट, एंड एंड ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। आगे क्या लिखा है इसमें, एज पर टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट। जो आपका ये स्किल टेस्ट होगा उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो आपको ऑलरेडी रिक्रूटमेंट में एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है। डेट ऑफ स्किल टेस्ट विल बी इंटीमेटेड लेटर, आपको जल्दी बता दिया जाएगा आपके स्किल टेस्ट के बारे में। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट SSB रिक्रूटमेंट साइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स इन दिस रिगार्ड। आप अपडेट होने के लिए रेगुलरली SSB की जो रिक्रूटमेंट साइट है उसको आप निरंतर चेक करते रहें, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पंकज फौजी ग्रुप्स आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, रात को दिन को आपको जैसे भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले मैं आपको। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको इसकी सारी क्रोनोलॉजी कि किस तरह से इसका क्या होगा। अभी आपका रिजल्ट आउट हो गया है, 88 कैंडिडेट पास हो गए हैं, क्वालिफाई कर लिया है। अब उनका नेक्स्ट स्टेज जो होगा आपका स्किल टेस्ट होगा, कि ड्यूरेशन इसकी आपकी 10 मिनट की ड्यूरेशन होगी, और आपको 80 वर्ड पर मिनट, आपको 80 वर्ड पर मिनट आपको बोले जाएंगे डिक्टेशन के तौर पर, और आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, तो 800 के आसपास आपके वर्ड हो गए। उसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का होता है कि सर उसमें मिस्टेक कितनी माफ की जाती है, तो BSF में तो 10% की मिस्टेक होती है, वर्ड आपके बोले जाएंगे तो 80 वर्ड आपको माफ हो जाएंगे, तो 10% आप मिस्टेक एरर होता है बच्चों का। एक मेरे को सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो आ रहे थे वो बोल रहे थे कि SC ST के लिए इसमें अलग से सर कुछ छूट मिलती है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि SC ST के लिए इस तरह की इसमें कोई भी छूट नहीं मिलेगी। और इसके बाद क्या था, 80 वर्ड आपको पर मिनट बोले जाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 50 मिनट लगेंगे, 50 मिनट दिए जाएंगे इंग्लिश के लिए, और 65 मिनट लगेंगे दिए जाएंगे आपको हिंदी के लिए। अब ये हो गए ओवरव्यू, अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि जब आप स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप होगा क्या। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो एक SSB का कार्मिक आपके पास आएगा और आपको 5 मिनट का ट्रायल देगा। ट्रायल मतलब आपको जो डिक्टेशन होगी, जो उसके पास मैटर होगा वो आपको पढ़ के सुनाएगा, आपसे बोलेगा क्या मेरी भाषा आपको समझ आ रही है, अगर आ रही है तो ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो मैं जैसे कुछ होते हैं कि साउथ इंडियन होते हैं, कोई कहीं के होते हैं, तो उनको सारा पूछा जाएगा जब आप इंश्योर हो जाए। और हाँ मैं बताना चाहूंगा कि अगर बीच में आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप वहां पे अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि सर मेरे को ये परेशानी है, उसकी SSB फुल आपको सपोर्ट करेगा। उसके बाद जब आप 5 मिनट का डिक्टेशन देता है और आप सब कुछ सही होता है, उसके बाद वो आपसे बोलेगा कि आप रेडी हो जाइए, आपको हम डिक्टेशन बोलने वाले हैं, तो वो बोलना स्टार्ट करेगा लगातार कंटिन्यू 10 मिनट आपको बोलेगा, और आपको
पर मिनट 80 वर्ड बोलेगा आपको शॉर्ट हैंड में। आप सीखी है, मैंने भी सीखी है शॉर्ट हैंड, तो आपको करना पड़ेगा वो। उसके बाद आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाएगा, कंप्यूटर आप सही से चेक कर लें कि क्या उसमें बैक स्पेस चल रहा है नहीं चल रहा है, दूसरे फंक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर कोई परेशानी है तो आप इमीडिएटली वहाँ पे खड़े होकर अपना क्वेश्चन रेज या क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि सर मेरे को ये कंप्यूटर सूट नहीं कर रहा है, इसका कीबोर्ड ऐसा है, इसमें ये परेशानी आ रही है, इसका सीपीयू। बाद में कुछ नहीं होता, एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गया आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत केयरफुल रहें। ये आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है अगर आप इसमें आगे। और इसकी प्रोफाइल के बारे में मैं बताऊं, ASI स्टेनो बहुत ही अच्छी आपके लिए पोस्ट मानी जाएगी, क्योंकि आप डायरेक्टली ऑफिसर से लिंक रहेंगे। आप मानो कि आप दाहिने हाथ हैं ऑफिसर के, जितने भी कॉन्फिडेंशियली चीज़ें होती हैं वो स्टेनो के थ्रू ही जाती हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ है ASI स्टेनो के लिए लेकर। तो आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, मैं आपको कंटिन्यू बताता रहूँगा। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है स्किल टेस्ट से लेके तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं इसके कंटिन्यूशन में एक वीडियो और बना दूंगा। रहा SC मिनिस्ट्रियल का सवाल, उस पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा। हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गया कि आप पूछेंगे सर इसकी कट ऑफ कितनी गई है, तो भाई अभी कट ऑफ के बारे में पता नहीं चला है इसकी कितनी गई है, SSB ने भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, तो मैं जब तक कन्फर्म नहीं हूँगा आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मैं विद प्रूफ आपको जो भी है बताऊंगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को तो आप पसंद कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन 80% कैंडिडेट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इससे मोटिवेशन नहीं मिलता। दोस्तों मोटिवेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, जिससे मुझे भी लगे कि बच्चे मेरे को पसंद कर रहे हैं, मेरे कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों।